क्या टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को मोदी जी से मुंह फेरने की सजा मिली? आखिर श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई ने क्या एक्शन ले लिया? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अब सोशल मीडिया में तो आजकल कुछ भी चल पड़ता है, कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी। देखिए ना, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई ने एक्शन लिया, तो वो इसकी वजह से लिया क्योंकि श्रेयस अय्यर ने मोदी जी को देखकर मुंह बनाया था। क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? क्या वाकई में मोदी जी को देखकर श्रेयस अय्यर ने मुंह फेरा था, मुंह बनाया था, जिसकी सजा उनको अब मिली है? इस वीडियो में इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि श्रेयस अय्यर ने मोदी जी को देख के मुंह बनाया? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 महीने पुरानी बात है, जब टीम इंडिया लगभग वर्ल्ड कप बस जीतने वाली थी, फाइनल का मुकाबला था और पूरा देश आश्वस्त था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप वैसे भी इंडिया में हो रहा था, गुजरात के स्टेडियम में हो रहा था, मोदी जी स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन मैच हम हार गए। इसके बाद मोदी जी हौसला अफजाई करने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिलने गए। हारने के बावजूद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से की, और ये मोदी जी की क्रिकेटर्स से मिलने की बातचीत वाला ये हिस्सा बीजेपी ने बाद में शेयर भी किया। और जब बीजेपी ने ये वीडियो शेयर किया था ना, उस वक्त भी इस वीडियो के इस वाले अंश को लेकर बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाए थे कि देखिए मोदी जी टीम इंडिया के क्रिकेटर्स से मिलने गए लेकिन श्रेयस अय्यर ने मोदी जी को देखकर मुंह फेर लिया। हालांकि उस वक्त ये बात आई गई हो गई थी, लेकिन अब खबर आ गई कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कर दिया है श्रेयस अय्यर को बाहर। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हुआ है कि श्रेयस अय्यर को जब बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, तब लोगों ने सोशल मीडिया में ये 3 महीने पुराना वाला वीडियो चलाना शुरू कर दिया कि देखो उस वक्त श्रेयस अय्यर ने मुंह बनाया था, मोदी जी को देखकर मुंह फेरा था, इसीलिए उस बेचारे को इस तरह की सजा मिली और उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई ने बाहर कर दिया। तो क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? इस वीडियो की सच्चाई क्या है? ये पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। देखिए, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी श्रेयस अय्यर से भी हाथ मिलाते हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर के चेहरे पर तमाम खिलाड़ियों की तरह मायूसी दिखती है और फिर पीएम मोदी दूसरे खिलाड़ियों से हौसला अफजाई करने के लिए उनकी तरफ चले जाते हैं। अब इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं से भी कि श्रेयस अय्यर ने पीएम मोदी को देखकर मुंह बनाया है। अब क्योंकि वो जो वीडियो का इतना सा अंश है वो वायरल किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर ने पीएम मोदी को देख के मुंह बनाया है, बट ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ईशान किशन ने किसको देखकर मुंह बनाया था? क्योंकि श्रेयस अय्यर अकेले नहीं है, ईशान किशन का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों आईपीएल तो खेलते ही रहेंगे, आईपीएल में थोड़ी इनको मनाही है, लेकिन फिलहाल इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने रद्द किया है। माना यह जा रहा है कि क्योंकि इनकी जो दिलचस्पी थी वो आईपीएल में ज्यादा थी और ये जो नेशनल क्रिकेट थे उसको लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं दिखाई दे रहे थे, तो एक तरह से इनको इसलिए इन पर ये एक्शन लिया गया। हालांकि बीसीसीआई में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहुत से खिलाड़ियों के रद्द किए जाते हैं, अपग्रेड किए जाते हैं, कई बार किसी का कॉन्ट्रैक्ट बी में होता है, बी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ए कर दिया जाता है, लेकिन ये बात सही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है खिलाड़ियों का तो बहुत सी सुविधाओं से उनसे बहुत सी सुविधाएं ले ली जाती हैं। तो ये कहना कि श्रेयस अय्यर ने मोदी जी को देखकर मुंह बनाया, ये गलत है। लोग बिना सोशल मीडिया में खामखा बात बात पर हमारे मोदी जी को बदनाम करते रहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।